की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पैरा कमांडो। त्रिपुरा फिजिकल एकेडमी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज का वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो साथियों, आज मैं बताऊंगा फैट कैसे रिड्यूस करें। जो इंडियन आर्मी रैली का तैयारी कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे आप देख सकते हैं हमारे पास एक स्टूडेंट आया है, इनके वेट थोड़ा ज़्यादा है। कारण क्या है, अगर वेट ज़्यादा होगा रनिंग आप एक्सीलेंट नहीं मार सकते हो। आप लोगों को पता ही है इंडियन आर्मी का रैली इतना आसान नहीं है, जो 1600 मीटर रनिंग को पूरा कैसे करें, ठीक है। तो बहुत ही तकलीफ होता है 1600 मीटर रनिंग करना। इसके लिए क्या चाहिए, स्प्रिंट वर्कआउट चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद आपको स्प्रिंट मजबूत होना चाहिए। अगर आपका बॉडी वेट ज़्यादा है आप सक्षम नहीं है। आप देख सकते हो पीछे का जो हिस्सा है, ये पार्ट को सबसे पहले ख़त्म करना है, ठीक है। ये जो दोनों पार्ट की हम एक्सरसाइज बताएंगे, दो एक्सरसाइज, उसके बाद दूसरी हो गया आपका सामने का पेट की है, आप देख सकते हो चर्बी, उसको कैसे ख़त्म करना है। ऐसे मैंने 5 एक्सरसाइज लेकर आया हूँ, वीडियो में बने रहिए, बहुत बेनिफिट होने वाला है। इस एक्सरसाइज की मदद से आपकी जो 1600 मीटर रनिंग आराम से पास हो सकते हो। लेकिन निरंतर एक्सरसाइज करोगी तभी आपका वेट रिड्यूस होगा, तभी आप रनिंग में एक्सप्लेन मार सकते हो। तो साथियों, सबसे पहले हम इस पार्ट को एक्सरसाइज देंगे। सबसे पहले नंबर 1 एक्सरसाइज पोजीशन तैयार, घुटना लगा के डाउन में देख सकते हो साथियों, पूरा खिंचा हुआ है। अब ये देख सकते हो साथियों, ये जो पार्ट है ये खिंचा हुआ है, ये वाला पार्ट। अब स्टैंड अप। तो साथियों, ये जो एक्सरसाइज आपको पास की 2 सेट लगानी है। शुरू में ज्यादा ना लगाए, धीरे धीरे स्पीड करिए। लेकिन जहां पर धूप ज्यादा है वहां पर करें, तभी आपको फायदा होगा। लेकिन धूप सुबह वाला करें और नहीं तो इवनिंग वाला करें, लेकिन 10-12 बजे आप ना करें, क्योंकि धूप आजकल ठीक नहीं है, कि उससे आप हमारे जो स्किन और जल जाता है, ब्लैक हो जाता है। तो उसमें आप ना करें अच्छा रहेगा, इवनिंग और मॉर्निंग में करें, आपको सबसे ज्यादा फायदा होगा। नंबर 2 एक्सरसाइज पोजीशन तैयार, आप देख सकते हो साथियों पोजीशन तैयार। वाह, ये देख सकते हो साथियों कैसे खिंचा हुआ है, ये जो पार्ट है पूरा खिंचा हुआ है। इससे आपको फुल बेनिफिट मिलेगा फैट रिड्यूस का। 2 खींचो 3 4 5 6 स्टॉप रहो। तो साथियों, ये हो गए 2 एक्सरसाइज। अभी करेंगे ये वाला पार्ट के लिए, आप देख सकते हो सामने वाला जो पार्ट है। चलो पोजीशन तैयार, इसको 1 2 3 4 5। तो साथियों आप देख सकते हो, 1 ये देख सकते हो, होल्ड करो, अप ये देख सकते हो क्या खिंचा हुआ आ रहा है, ये जो पार्ट है ये खिंचा हुआ आ रहा है, ये जो पार्ट है। डाउन 3 4 5 स्टॉप रहो। तो साथियों, नंबर 4 एक्सरसाइज, साथ ही ये जो क्लोज आप रखोगे, इससे आपको पेट में पूरा आपको खिंचाव आएगा, जितना आपको खिंचाव आएगा इतना आपको बेनिफिट मिलेगा। डाउन अप डाउन स्टॉप हेलो। आप लास्ट जो एक्सरसाइज है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन तैयार, आपको प्लैंक करनी है। प्लैंक करने से आपको ये बेनिफिट मिलेगा, जितना आप होल्ड करोगे कितना आपको बेनिफिट होगा। यहाँ पर पूरा बॉडी को खींचा, पेट में ज़्यादातर खिंचावटी ज़्यादा आएगा साथियों, बहुत बेनिफिट होने वाला है आपका बॉडी के लिए, वेट भी कम होगा, आपको बेनिफिट मिलेगा। सीधा करो आप, या आप कोशिश करें 2-3 मिनट डेली प्रैक्टिस करें। ऐसे धीरे धीरे जैसे प्रैक्टिस करोगी ऐसे से आप परफेक्ट बनते जाओगी, आपको फैट धीरे धीरे रिड्यूस होगा और आप रनिंग में सक्षम होगा। रनिंग करने से पहले सबसे 3 बातें हैं। सबसे पहले हमारे वेट कंट्रोल होना चाहिए। दूसरी बात है, हम लोग जो भी वर्कआउट करते हैं, स्टॉप कराओ, हम जो भी वर्कआउट करते हैं हमें निरंतर करना चाहिए। और दूसरी बात है, हम जब रनिंग करते थोड़ा दौड़ते ही थक जाते हैं, क्योंकि हमारा बॉडी वेट इतना ज़्यादा होता है
क्योंकि हम उस चीज को कंट्रोल नहीं कर पाते है। इस कारण के बैलेंस भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बैलेंस सही नहीं है तो कुछ भी ठीक नहीं है। ठीक है, तो साथियों वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, कमेंट करके जरूर बताना, कहां से हो, कौन सी स्टेट से हो जरूर कमेंट करना। जो गांव से रहने वाला उनको पता नहीं होता, जो गरीब बच्चे होते हैं उनको मदद करे, मेरे वीडियोस को ज्यादा से शेयर करे। तो वीडियो का यहां पर समाप्त करता हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताना। थैंक यू सो मच।